हूँ आप करते हैं सतवीं जमात गणित का अभ्यास 10.3। लो पहला प्रश्न है त्रिकोण डी ई एफ की रचना करो। डी ई डी एफ 5 से 3 सेंटीमीटर दित्तियां भुजावां, कोण ई डी एफ दिता जी 90 डिग्री। हुण इत्थे नोट करो जिहड़ा बिंदु विचकार रखिया हुंदा कोण हमेशा उस ते बनता है, यानी कि बिंदु डी दे उत्ते 90 डिग्री का कोण बनया। तो कोशिश करो इन्हां दो भुजावां दे विचकार ओ भुजा आधार रखो जिदे विच बिंदु डी आया होवे। कुदरती डी दोनों दे विच ही आया तो तुहाडी इच्छा जिहड़ी मर्जी भुजा नूं आधार मान लो। मेरा कहण दा मतलब है पहलां तां रफ कम दे विच एक वैसी त्रिकोण ड्रॉ करो, कोशिश करो बिंदु डी हेठां ही रख्या जावे क्योंकि इस ते सानूं कोण दित्ता जी 90 डिग्री। देखो मैं अंदाज़े नाल लगाया जी कोण 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो सीधा बनना है। आप एक रफली एसटीमेट लै रहे हैं 90 डिग्री का कोण डी ते, इहदे नाल ई रख लो, इत्थे भुजा रख लो जी, सिखर रख लो एफ। तो भुजा डी ई 5 सेंटीमीटर है, डी एफ 3 सेंटीमीटर है, तो कोण ई डी एफ है जी 90 डिग्री का। लो सब तो पहला फिर असी की करते हैं डी ई भुजा 5 सेंटीमीटर खिंचते हैं। लो रेखाखंड डी ई 5 सेंटीमीटर खिंचो, 0 ते निशान लाओ, 5 दे सामने निशान लाओ, दोहां निशानां नूं मिला दिओ, आ गया जी रेखाखंड डी ई 5 सेंटीमीटर। हुण 90 डिग्री का कोण तुसीं डी नाल भी खिंच सकते हो, पर मैं तुहानूं प्रकार नाल कोण खिंचना सिखाउण लगा जी, अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी पहला अर्ध व्यास लो, अपनी मर्जी नाल। बिंदु डी नूं मन्नो केंद्र ते एक चाप लगा दो, ए चाप डी ई रेखाखंड नूं जिहड़े बिंदु ते कट्टे उस बिंदु ते प्रकार दी नोक रखो। हुण अर्ध व्यास जिन्ना पहला लिया है उन्नी ही प्रकार खुली हुई है, तां इहनूं कट कर लो पहले बिंदु ते, पिछली चाप नूं पहला कट किया, फिर जिथे कट्टिया गया उस नूं केंद्र मन्नो प्रकार दी नोक रखो, दूसरा कट लगाओ इस चाप ते। ये पहले चाप ते बनता जी 60 का कोण, दूजी ते बनता 120 का कोण। असी इन्हां दोहां दा अध करना है, की करो इन्हां दोहां दे आपसी दूरी दे अध तो अध प्रकार खोलो, वह पहले ही खुली हुई है। इत्थे नोक रखो प्रकार दी, उपर वाले एक चाप लगा दिओ। हुण 120 डिग्री का जिते कोण बनता हुंदा है उत्थे नोक रखो प्रकार दी, पिछली चाप नूं कटा दिओ, तां इह तुहानूं जिहड़ा कोण मिलिया है ये 90 डिग्री का कोण मिलिया। लो हुण नोट करो मैं की किया जी, जिथे चापां कट गई उस बिंदु नूं हेठां बिंदु डी दे नाल मिला दिता, तो मैनू 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। इत्थे लिख दिओ 90 डिग्री। हुण बिंदु एफ है जिहड़ा डी तो 3 सेंटीमीटर दूर है, लो जी प्रकार खोलो 3 सेंटीमीटर, बिंदु डी ते रखो नोक प्रकार दी, ते 3 सेंटीमीटर दूर चाप लगा दिओ। जिथे चाप तुहाडे 90 डिग्री वाले कोण वाली रेखा नूं कट रही है उत्थे रखो जी बिंदु एफ। हुण बिंदु एफ नूं ई नाल मिला दिओ, तां तुहानूं त्रिकोण डी ई एफ प्राप्त होगी जिहदे विच बिंदु डी ते कोण 90 डिग्री बन गया, तो डी तो लैके ई तक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो डी तो लैके एफ तक भुजा 3 सेंटीमीटर है। रचना दे स्टेप तुसी आप इस तरह लिख सकते हो। आओ अगला प्रश्न करिए, दूसरा दूसरे प्रश्न चा जी एक सम दो भुजी त्रिभुज की रचना करो जिसकी हरेक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर होवे ते इन्हां विचकारला कोण 110 डिग्री का होवे। दो भुजावां बराबर है ते कोण हैगा विचकार 110 का, तो मैं की करांगा जी जिहड़ियां दो बराबर भुजावां है उन्हां चों एक भुजा हेठां रख लांगा तो उन्हां दे विचकार कोण 110 डिग्री का रख लांगा। देखो दो बराबर भुजावां 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर दी है, तो की करो जी नाम रेखाखंड का रख लो ए बी, ए तो बन जाएगा कोण 110 का, वैसे अधिक कोण है ये बनना सी इधरले पासे खब्बे हथ, चलो अपना रफ एसटीमेट है। तो सब तो पहला आपां रेखाखंड ए बी खिंचदे हां जी 6.5 सेंटीमीटर लंबा, लो 6.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। हुण बिंदु ए रखो इसका नाँ, इहदा नाँ रखो बिंदु बी, 6.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, कोण बनाना जी 110 डिग्री का,
इतने ध्यान दौ बिंदू ए दे उत्ते आ टी दी नोक आनी चाहिए है जिथे आपस टी बन रही है तो रेखाखंड ए बी इस रेखा के हेठा चला गया। हुण नोट करो रेखाखंड ए बी मेरी रेखा के इस बिंदू के सज्जे पासे आ तो सज्जे पासे जीरो तो तुरना स्टार्ट करो लब आ पी जी जीरो 110 कित्थे है आ पिया 110 उहदे बिल्कुल सामने इत्थे निशान लगाओ इस निशान नूं बिंदू ए नाल मिला दिओ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 110 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 110 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬਿੰਦੂ ਏ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚਾਪ ਲਾਓ ਜੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਸੀ। ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਅਤੇ ਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਜਾ ਏ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਓ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤਿਕੋਣ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਸੀ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਜਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮੈਜਰ ਮੈਨੇ ਮਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ ਸੀ ਦਾ ਮਾਪ। ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਐਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਮੈਜਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਆਫ एंगल सी इज 60 डिग्री। मैजर का मतलब होंगे माप, एंगल मतलब कोण यानी कि कोण सी का माप 60 डिग्री है। ठीक है तो इसनों अगे तो तुसी इस तरह पढ़ना है भी कोण सी का माप 60 डिग्री है। अच्छा हुण अच्छा ये ना सब तो पहला आप रफ कम के डायग्राम पहला ड्रा कर लीए बई एक त्रिकोण बनेगी वह नाम भी है जी ए बी सी। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਭੁਜਾ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਭੁਜਾ ਜੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ। ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਸੀ ਭੁਜਾ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7.5 ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ 7.5 ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਤੇ ਬੀ ਸੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ 60 ਦਾ ਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਪ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕਟਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਖਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਏ ਸੀ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਲਓ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕੇਂਦਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚਾਪ ਕਟਾ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਏ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਕੋਣ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਏ ਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ।